जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। तो इसी बीच आई इंडिया पर बेसिक शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी के परिषदी स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। अब एक कमेटी का गठन होगा जिसमें अधिकारियों के साथ साथ शिक्षाविद भी होंगे और फिर इसे लागू किया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दी गई है। हालांकि अभी तक शासन की ओर से ऑनलाइन हाजिरी को स्थगित करने को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं जारी हुआ है। हालांकि बेसिक शिक्षकों को यह विश्वास है कि थोड़ी ही देर बाद आदेश लागू हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से यह जानकारी भी दी गई है कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ऑनलाइन हाजिरी को स्थगित करने के साथ कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीती 8 जुलाई को ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था यूपी के सभी बेसिक स्कूलों में लागू की गई थी। तब से शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताई है। इससे पूर्व बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक पोस्ट की थी। परिषदी स्कूलों के शिक्षक पिछले एक हफ्ते से लगातार इसके विरोध में आंदोलनरत थे। इस दौरान विपक्षी दल भी शिक्षकों के पक्ष में खड़े रहे। पहले सपा और कांग्रेस ने उनकी आवाज उठाई थी। मंगलवार को बसपा प्रमुख मायावती ने भी बयान दिया था। मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना तैयारी शिक्षकों पर ऑनलाइन हाजिरी को थोपा जाना ठीक नहीं है। परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है। शिक्षकों के भी बड़ी संख्या में पद खाली है। ऐसे में पहले शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। मायावती ने लिखा कि सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण वहाँ बदहाली की शिकायतें आम है, जिस पर समुचित बजटीय प्राविधान करके उन समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है। फिलहाल शिक्षक संगठनों के अनुसार ऑनलाइन हाजिरी के स्थगन का आदेश कुछ ही देर में जारी हो जाएगा, ऐसा उन्हें विश्वास है, लेकिन अभी तक शासन की ओर से कोई लिखित आदेश नहीं जारी किया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।